नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मनुष्य के शरीर के बारे में अद्भुत एवं आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में जानकारियां दूंगा। एक आदमी औसतन अपनी पूरी ज़िंदगी में 18,37,55,600 कदम चलता है। दो, जीवन का लगभग एक साल पुरुष महिलाओं को घूरने में बर्बाद कर देता है। नंबर तीन, एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में करीब 2.5 लाख बार जवाई लेता है। नंबर चार, क्या आपको पता है कि हम अपनी ज़िंदगी के लगभग 3 महीने टॉयलेट में गुजार देते हैं। नंबर पाँच, इंसान के शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया की संख्या पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं की संख्या में कई गुना अधिक है। ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन आपके दिमाग को कुछ समय के लिए बंद कर सकता है। कोई भी इंसान बिना खाए तो कई दिन या हफ्ते तक जीवित रह सकता है, पर बिना सोए वह केवल 10-11 तक ही जिंदा रह सकता है। स्त्रियों की कमीज के बटन बाईं तरफ जबकि पुरुषों की कमीज के बटन दाईं तरफ होते हैं। हमारे शरीर में इतना लोहा होता है कि उससे 1 इंच लंबी कील बनाई जा सकती है। जुराब यानी मोजे पहनकर सोने वाले लोग रात में बहुत कम बार जागते हैं या बिल्कुल नहीं जागते। प्याज काटते समय हमारी आँख में आंसू साइन प्रेफोथियल एस ऑक्साइड की वजह से आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आँख में आंसू बिल्कुल नहीं आते। औसतन एक आदमी अपने ज़िंदगी के 14 दिन ट्रैफिक सिग्नल पर बिता देता है। दुनिया को आईफोन से परिचित कराने वाला स्टीव जॉब्स की कार पर कभी भी नंबर प्लेट नहीं लगाया। हमारी उंगलियों के निशानों की तरह हमारी जुबान के भी निशान भिन्न होते हैं। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो अपनी पीठ के बल सोता है। मनुष्य का बच्चा 4 महीने की उम्र तक नमक चीनी का टेस्ट नहीं कर पाता। हमारे शरीर में लगभग 0.2 मिलीग्राम तक सोना होता है और इसकी कीमत सबसे अधिक मात्रा खून में पाई जाती है। जब आप लोग जाग रहे होते हैं तब आपका दिमाग 10 से 23 वाट तक की बिजली ऊर्जा छोड़ता है, जो कि एक बिजली के बल्ब को चला सकती है। मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती, इसीलिए वह कोई दर्द नहीं महसूस करता। हमारा दिमाग 75% से ज़्यादा पानी से बना होता है। आपका दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% बढ़ता है और 18 तक पहुँचते 100% विकसित हो जाता है और उसका बढ़ना रुक जाता है। सर्जरी से हमारा आधा दिमाग हटाया जा सकता है और इससे हमारी यादों को भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। आप अपने दिमाग में न्यूरॉन्स की गिनती दिमागी क्रियाएं करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शरीर के जिस भी भाग को हम ज़्यादा उपयोग करते हैं वह और विकसित होता जाता है। पढ़ने और बोलने से बच्चों का दिमागी विकास ज़्यादा होता है। जब आप एक आदमी का चेहरा गौर से देखते हैं तो आप उसे दिमाग को दायां भाग उपयोग करते हैं, ऐसा वैज्ञानिक का मानना है। हमारे शरीर के भिन्न हिस्सों से सूचना भिन्न रफ्तार से और भिन्न न्यूरॉन के द्वारा हमारे दिमाग तक पहुंचती है। सारा न्यूरॉन एक जैसे नहीं होते, कई ऐसे न्यूरॉन भी होते हैं जो सूचना को 0.5 मीटर/सेकेंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचाते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो सूचना को 120 मीटर/सेकेंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुँचाते हैं। आपके दिमाग की राइट साइड आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को, जबकि दिमाग के लेफ्ट साइड आपकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करती है। जो बच्चा 5 साल तक होने से पहले 2 भाषाएं सीखता है उनके दिमाग की संरचना थोड़ी सी बदल जाती है। आपके दिमाग में हर दिन औसतन 60,000 विचार आते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम दिन में 20,000 बार पलक झपकाते हैं और इसके कारण हम दिन में 30 मिनट तक अंधे रहते हैं, पर असल में हम दिन में 20,000 बार पलक जरूर झपकाते हैं पर 30 मिनट तक अंधे नहीं रहते, क्योंकि हमारा दिमाग इतना कम समय में वस्तु का चित्र अपने आप बनाए रखता है। हमारे पलक झपकने का समय 1 सेकेंड के 16वें हिस्से से
कम होता है, पर दिमाग किसी भी वस्तु का चित्र सेकेंड में 16वें तक बनाए रखता है। हंसते समय हमारे दिमाग का लगभग 5 हिस्से एक साथ कार्य करता है। दिमाग का आकार और वजन दिमागी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालता। एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जो कि सामान्य मनुष्य से कहीं कम था। एक जिंदा दिमाग बहुत नरम होती है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दिमाग में 1 लाख मील लंबी रक्त कोशिकाएं होती है। दिमाग को 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन न मिलने पर भी यह रह सकता है, पर 5 से 10 मिनट तक न मिलने पर ब्रेन डैमेज पक्की है। मनुष्य का दिमाग का वजन लगभग 1500 ग्राम तक रहता है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन की गिनती 100 अरब, जितनी आकाश गंगा में तारे होते हैं, और हर न्यूरॉन में 1000 से 10000 साइनोपेसेस होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे जटिल और रहस्यमय चीजें मनुष्य का दिमाग है। मानव दिमाग के अंदर 1 सेकेंड में 1 लाख रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है। हमारे दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती, इसीलिए शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला अंग है। मस्तिष्क में वस्तु सूचना संग्रहित होते जाता है। तकनीकी रूप से मस्तिष्क के पास अनुभव, अवलोकन, पठन, श्रवण आदि प्रत्येक वस्तु सूचना को संग्रह करने की क्षमता होती है। जन्म के बाद से प्रत्येक वस्तु उसमें संग्रहित हो जाती है, कुछ भी नहीं छूटता। यह अलग बात है कि मनुष्य में अपने ही मस्तिष्क में संग्रहित किसी अनेक वस्तुओं सूचनाओं तक वापस पहुँचने यानी कि अनेक घटनाओं के स्मरण रख पाने की क्षमता नहीं होती। दिमाग शरीर का लगभग 2% है, परंतु कुल ऑक्सीजन का 20% खपत करता है और खून भी 20% उपयोग करता है। जब मनुष्य 2 साल का होता है तो उसके दिमाग में किसी और समय के अलावा ब्रेन सेल्स की गिनती सबसे ज़्यादा होती है। दिमाग के बारे में सबसे पहला उल्लेख 6000 साल पहले सुमेर से मिलता है। रिसर्च से पता चला है कि पुरुषों और महिलाओं के दिमाग की बनावट अलग अलग होती है। अगर हमारी चमड़ी और मेहंदे की तरह हमारे दिमाग के सेल भी बदल जाएं, तो हम अपनी याददाश्त गवा सकते हैं। मनुष्य दिन की अपेक्षा रात को ज़्यादा बढ़ते हैं। यह दिमाग के छोटे भाग से भाग प्यूटरी ग्रंथि के कारण होती है, जो रात को सोते समय तक बढ़ने वाला हार्मोन छोड़ती है। वजन के लिहाजे से अब तक सबसे भारी दिमाग का एक रूसी लेखक आइवान तुर्गेनिव का था। उसके दिमाग का वजन लगभग 2.5 किलो था और उसकी मृत्यु 1883 में हुई थी। धन्यवाद दोस्तों।